है दोस्तों। वैसे तो आपने दुनिया में कई तरह के ब्रिजेस देखे होंगे, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी ब्रिजेस है जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। आज मैं आपको दुनिया के 10 ऐसे अनोखा ब्रिजेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसे देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। ये ऐसे ब्रिज है जहाँ जाने के बारे में आप सपने में भी नहीं सोचेंगे। इन ब्रिजों में पैर रखते ही आपका दिमाग लड़खड़ाने लगेंगे। तो चलिए जानते हैं दुनिया की 10 अनोखा ब्रिज के बारे में। नंबर 10, ड्रेकेनबर्न क्लेटेस्टाइज ब्रिज, ऑस्ट्रिया। मनसी नदी के पास स्थित एक जगह को कहा जाता है ड्रेकेनबर्न। हाइकर्स के लिए मानो ये जगह जन्नती कही जाती है। इस जगह पर मौजूद दो पहाड़ों को जोड़ने का काम करता है ये ब्रिज। अगर आपको इस ब्रिज तक पहुंचना है तो जमीन से 1176 मीटर ऊंचा पर्वत चढ़कर ऊपर जाना होगा, जो आम इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन है। इस ब्रिज पर चढ़ने के बाद बहुत ज्यादा ऊंचाई की वजह से आप नीचे देखना बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। ये ब्रिज इतना असुरक्षित है कि इस पे एक बार में बस एक ही इंसान दूसरी ओर जाता है। लकड़ी से बने इस ब्रिज पर पर्याप्त सुरक्षा का भी इंतजाम नहीं है, क्योंकि ये ब्रिज सिर्फ जाबाज हाइकर्स के लिए ही बनाया गया है। नंबर 9, रोलिंग ब्रिज। लंदन की एक बिल्डिंग के नीचे बनाया अद्भुत मॉडर्न ब्रिज इंजीनियरिंग का एक सबसे अनोखा और शानदार रूप है। इसमें लगे हाइड्रोलिक की मदद से ये आसानी से फोल्ड हो जाता है और फोल्ड होकर गोल भी हो जाता है। इस बिल्डिंग के नीचे नहर होने की वजह से वहाँ बोटों का आना जाना चलता ही रहता है, इसलिए वहाँ पर एक फिक्स ब्रिज बनाना मुमकिन नहीं था, इसलिए इस तरह से फोल्डिंग ब्रिज को बनाया गया है। नंबर 8, स्की लैंड ब्रिज। ये जो ब्रिज आप देख रहे हो ये इंग्लैंड की शहर हॉल में मौजूद है। इस ब्रिज का ये अनयूजुअल डिजाइन इसे दुनिया का सबसे यूनिक ब्रिज बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पुल दूसरे ब्रिजेस की तरफ ऊपर की तरफ नहीं खुलता, बल्कि ये एक साइड पर स्विंग होने वाला ब्रिज है। मजे की बात यह है कि इस पर चढ़ने वाले बहुत इंजॉय भी करते हैं, क्योंकि जब कोई बोट वगैरह आते हैं तो ऑटोमेटिकली स्विंग होना शुरू हो जाता है, चाहे इस पर लोग ही क्यों ना खड़े हो। तो इस पर चलने वाले मोबिंग के दौरान भी इस पर राइड कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस ब्रिज के अंदर एक रेस्टोरेंट भी बनाया गया है और इवन लोगों को बैठने के लिए सेटिंग प्लेस भी मौजूद है। इस ब्रिज की लंबाई 187 फुट और इसे 2013 में ओपन किया गया था। नंबर 7, बियॉन्ड द लेनिंग ब्रिज। इंग्लैंड में बने इस यूनिक डिजाइन वाले ब्रिज की चर्चा पूरी दुनिया में बनी रहती है। ये दुनिया का पहला अकेला ऐसा ब्रिज है जो इस तरह से काम करता है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। ब्रिज को 1996 में डिजाइन किया गया था और इसके अनोखा डिजाइन की वजह से इसे बेस्ट डिजाइन का अवार्ड भी मिल चुका है। इसे बनाने में कुल 2 साल का समय लगा था। इसे खासकर पैदल चलने वाले लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इस नदी में बड़े बड़े चिप्स कभी आना जाना लगा ही रहता है। जब भी ये चिप्स क्रॉस होती है तो इस ब्रिज को मोटर की मदद से 40 डिग्री तक टेढ़ा कर दिया जाता है। नंबर 6, ट्रिप ब्रिज, स्विट्जरलैंड। ये ब्रिज स्विट्जरलैंड की पहाड़ों में बसा एक लौता सस्पेंशन ब्रिज है। जमीन से 300 फीट ऊंचे इस ब्रिज तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है जितना आपने सोचा होगा। इस ब्रिज पर देखे जाने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें इस ब्रिज तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन चढ़ाई की सामना करना पड़ा। इसके बाद ही उन्हें इन खूबसूरत पहाड़ों के तालाब की खूबसूरती का अनुभव करने का मौका मिला। पर कठिनाइयां बस यही खत्म नहीं होती। इस ब्रिज की सैर करते वक्त पता चलता है कि बहुत तेज गति से दौड़ रही हवाओं की वजह से ये ब्रिज हिल रहा है। इंजीनियर्स ने इस समस्या का हल निकालने की कोशिश जरूर की है, पर कुदरत के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाए। नंबर 5, सोलर ऑफ रॉक ब्रिज। इस ब्रिज को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम 2050 की दुनिया में जी रहे हैं। रॉबर्ट की तरह देखने वाला ये ब्रिज नीदरलैंड में 2 सड़कों को जोड़ता है। यहाँ की नहरों में भी चिप्स की लगातार चलने की वजह से ब्रिज बनाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इंजीनियर्स ने ऐसा दिमाग लगाया कि कम लागत में उन्होंने एक ब्रिज खड़ा कर दिया। ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट में बना है। इसके पीछे लगा रोलर बोट्स की आने पर प्लेट को उठा देता है, जिसके बाद बोट यहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाता है। ये ब्रिज आर्किटेक्ट की दुनिया का एक नायाब नमूना है और इसके इसी खासियत की वजह से इसे ट्रांसफार्मर ब्रिज भी कहा जाता है। नंबर 4, रूई ब्रिज। ये ब्रिज उन सभी से बहुत अलग है। इस ब्रिज को डबल डेकर ग्लास ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें 2 फ्लोर में ब्रिज बना हुआ है और इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में ग्लास का एक प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है। इस ब्रिज को बनाने में 3 साल का समय लगा था। ये ब्रिज 100 मीटर लंबा है और जमीन से 140 मीटर की ऊंचाई पर बना है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आपको इस ब्रिज पर जरूर जाना चाहिए। नंबर 3, मीकोंग रिवर वायर ब्रिज।
मेकोंग नदी के ऊपर टंगे इन दो वायर्स को ब्रिज क्यों कहा जाता है ये समझ नहीं आता, क्योंकि अगर ऐसा ब्रिज हमारे देश में होता तो इस ब्रिज को पार करने वालों के लिए हम एक अच्छा कर्तव्य समझ के तालियां जरूर बजाते, पर यहाँ के रहने वाले मच्छरों के लिए ये कर्तव्य आम जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। नीचे उफान बढ़ती नदी और ऊपर बंधे दो वायर से होकर गुजरते मच्छरों को ये पता नहीं होता कि वो सही सलामत वापस लौटेंगे कि नहीं। इन्हीं लोगों की तरफ देखने के बाद हमें जिंदगी का संघर्ष से भरा चेहरा नजर आता है। इन तस्वीरों को देखने के बाद शायद ही आपको उनकी भयानकता का वर्णन करने की जरूरत महसूस हो। नंबर 2, पोन्ट जैकस केबिन ब्रिज। फ्रांस से निकलने वाले ग्रूनर नदी में बोर्डक शहर पर दुनिया का पहला वर्टिकल ब्रिज बना है। ये दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज था जो अपनी हाइट से वर्टिकली ऊपर चला जाता था। दोस्तों, इस ब्रिज को मार्च 2013 में वहां की प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया था। इस नदी से लगातार जाने वाले बड़े क्रूज शिप्स की वजह से यहां ब्रिज बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए यहां की इंजीनियर्स ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया है। ये ब्रिज 110 मीटर लंबा है और अपने हाइड्रोलिक लेस बिल्डर की वजह से मिनटों में ही 50 मीटर ऊपर चला जाता है और करीब साल में 120 बार ऐसे ही ऊपर नीचे होता है ताकि बड़े बड़े शिप्स आसानी से यहाँ से पार हो सके। नंबर 1, फ्लाइंग फेरी। ये ब्रिज दुनिया का सबसे अजीबोगरीब ब्रिज है। असल में इसे नाव और ब्रिज का हाइब्रिड कॉम्बो कह सकते हैं। इसे स्पेन की दो सिटीज को जोड़ने के लिए बनाया गया था। बनाते वक्त सरकार ने इंजीनियर्स के सामने ऐसी शर्त रखी, नदी में चलने वाले बोट्स और उस पर जाने वाले लोग दोनों को ही कोई तकलीफ और इंतजार न करना पड़े। ऐसा डिजाइन बनाने के लिए कहा, इसीलिए आर्किटेक्ट ने इसे इस तरह से डिजाइन किया। ये ब्रिज एक समय पर 6 कार और कोई दर्जन लोगों को एक साथ छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा ब्रिज सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।